प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर इवेंट में शामिल हुए। यहां उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, साथ ही 1500 करोड़ के 84 प्रोजेक्ट्स और कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के विकास के लिए 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार काम करती, तीसरी बार सरकार बनने से अभी सरकार को लेट लतीफी पसंद नहीं है। आज जो बदलाव जम्मू कश्मीर में दिख रहे हैं वो बीते 10 साल में हमारे काम का नतीजा है। इसके साथ ही उन्होंने बीते दिनों में जम्मू के कई जिलों में हुए आतंकी हमलों पर कहा कि हमारी सरकार ने हालिया हुए आतंकी हमलों को गंभीरता से लिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम जम्मू कश्मीर के आज के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की तरक्की से जुड़े प्रोजेक्ट का काम और दूसरा लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कश्मीर के भाइयों और बहनों से मेरी पहली मुलाकात। साथियों, मैं अभी पिछले सप्ताह इटली में G7 की बैठक में शामिल होकर के आया हूं और जैसा मनोज जी ने बताया, तीन बार किसी सरकार का लगातार बनना इस कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव होता है। इससे हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया बदलता है। दुनिया के दूसरे देश भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देकर मजबूत करते हैं। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज भारत के नागरिकों का मिजाज है, यह हमारा देश, हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी, ये एस्पिरेशनल ऑल टाइम हाई है। और ऑल टाइम हाई एस्पिरेशंस, ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है जो आज भारत को नसीब हुई है। जब एस्पिरेशन हाई होती है तो लोगों की सरकार से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नीट को लेकर मचे घमासान के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस वार्ता